इधर से उतरने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनको यहीं कहीं से नीचे का मार्ग पकड़ना चाहिए। मैं पहाड़ में कहीं खो गया हूँ क्योंकि कहीं पे भी दोबारा मेरे को कोई मार्ग का निशान नज़र नहीं आया है। मुझे लगता है मुझे वापस पीछे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, मतलब जहाँ से आया था उसी तरफ जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 72वां दिन है और मैं मांडव से चतुर्भुज श्री राम जी के मंदिर से अब परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ रेवा कुंड के लिए और दूरी रहेगी तकरीबन 5 किलोमीटर की। यहाँ पे मैंने एक दिन अधिक विश्राम करा और यहाँ का ये स्थान देखा, बेहद ही खूबसूरत था। मांडव का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चलिए परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं आनंद में। नर्मदे हर। सुबह के 9:10 हो गए हैं, हालांकि परिक्रमा में मैं सुबह 8 बजे बढ़ना शुरू कर ही रहा था कि वहाँ पे कुछ कार से जो परिक्रमावासी थे उन्होंने रोक लिया, उनसे चर्चा होने लगी और उनके साथ में चाय और पकोड़े का बाल भाव हो गया। वहाँ से जैसे आगे बढ़ा तो शर्मा जी थे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनका मैसेज था, उनसे मुलाकात लेनी थी। तो परिक्रमा मार्ग में उनका भी सेवा केंद्र है तो वहाँ पे उनके साथ बैठे और वहाँ पे चाय पी, और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अभी 9:10 बस मैं थोड़ा सा तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ही आगे बढ़ के आया हूँ और यहाँ से हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि परसों जब हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ आए थे तो नीलकंठ महादेव मंदिर से जो मार्ग अंदर आता है उसी के बिल्कुल पास ही से ये मार्ग आगे जाता है। ये है सराय कोटड़ी में आप 9 तरह के कमरे एक साथ देखेंगे। एक व्हीकल सॉन्ग प्रोडक्शन सॉन्ग मैम मैं अपना इलेवन यूट्यूब चैनल यूट्यूबर इल सां बिजनेस सां फंक्शन मैं इल इधर इस पार्ट बिजनेस इल इल फेल फेल रहना है इल वाफेर लगाया जमान लोगे पीछे मुझे कुछ विदेशी मेहमान मिले जो कि भारत में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। वे बड़े ही उत्सुक और जिज्ञासु थे ये जानने के लिए कि किस तरह की माला मैंने पहनी है और किस तरह के वस्त्र पहन के मैं ये भ्रमण कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अंग्रेजी भाषा में बताने का प्रयास करा लेकिन उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी और वे शायद जैपनीज या स्पेनिश भाषा में गाइड से बात कर रहे थे, और गाइड ने फिर मुझसे वार्तालाप करके उन्हें उनकी भाषा में समझाया और भारतीय संस्कृति और इस नर्मदा मैया की परिक्रमा का महत्व बताया। खैर, हम परिक्रमा के दौरान आगे बढ़े और जब हम यहाँ पे दरिया सिंह की इस मकबरे में पहुँचे तो ये बेहद ही खूबसूरत था। वही पुराना ऐतिहासिक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन देख के मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और ये बड़ा झाड़ जो इमली का है, मीठी इमली रहती है, देखते हुए हम परिक्रमा की आनंद लेते हैं। क्या किससे पत्थर से तोड़ के ले लेते हैं? हाँ। कैसी है इमली है? वो बड़ी बड़ी जो लगी रहती है वो कैसी, खट्टी होती है क्या? हाउ जी, तुम्हारा हाउ बहुत बढ़िया रहता है, सब लोग हाउ कैसे बोलते हैं, एक बार फिर बोलना ना हाउ। क्योंकि मांडव पूरे 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पहाड़ पर फैला हुआ है तो आपको इस तरह के पुराने ऐतिहासिक कुछ न कुछ अंश ज़रूर देखने को मिलेंगे किले के संदर्भ में या यहाँ के बारे में। चलिए, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ एक तालाब के पास में जहाँ पे एक
छोटा बगीचा भी है और साथ ही में एक छोटा सा मैया का मंदिर भी। तो चलिए यहाँ पे इस बगीचे में चलते हैं और मैया के दर्शन करके फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे संतोषी मैया की मूर्ति लगी हुई थी और प्रतिमा को प्रणाम करके मैं परिक्रमा में आगे बढ़ा। परिक्रमा मार्ग में मुझे मिला ये इको पॉइंट। आप यहाँ से जो भी बोलेंगे तेज आवाज में आपको रिवर्ट में वही आवाज वापस सुनाई देगी। चलिए कोशिश करके देखते हैं। नर्मदे हर, थैंक यू मेरे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लव। आपको सुनाई दे रहा है, उधर से ट्राई करा था। नर्मदे हर, थैंक यू मेरे यूट्यूबर्स फैंस, नर्मदा परिक्रमा में आप सभी आनंद लेते रहे। मेरे साथ में परिक्रमा में बने रहे। स्कूल टाइम में जब स्टेज पे खड़े होके हम बोलते थे और वही शपथ सामने वाले बच्चे लेते थे, बिल्कुल वैसा ही आनंद यहाँ पे भी आ रहा है मुझे। अच्छा, इस स्थान की एक खास बात ये भी है कि आप अगर यहाँ से अंदर चले गए तो आपको ये आवाज़ नहीं आएगी, आपको इस पत्थर पे यहीं पे खड़े होके ये आवाज़ लगानी होगी, तभी आपको ये रिवर्ट में इको इफेक्ट सुनाई देगा। चलिए नर्मदा परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं आनंद में। नर्मदे हर। अगर कोई मुझसे पूछे कि झीलों का शहर कौन सा है तो मैं कहूँगा उदयपुर, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी ये झीलें और तालाब देखे हैं। और अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि ऐसी ऐतिहासिक जगह जहाँ पे आपको पुराने आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पैलेसेस भी दिखे हैं और साथ में झीलों का शहर भी हो, तो मैं कहूँगा मांडव। और 10:35 में मैं पहुंच गया हूं रेवा कुंड के ऊपर। पीछे की तरफ आप ये महल का कुछ भाग देख पा रहे हैं और यहाँ पे है मैया का ये स्वरूप एक सरोवर के रूप में। नर्मदे हर। यहाँ पे एक छोटा गे कुंड भी बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी किसी भी प्रकार का जल नहीं है। हो सकता है कि इसमें स्नान करने के लिए अलग से मैया के जल का प्रबंध करा गया हो। तो रेवाखंड के बिल्कुल पास में ये बाज बहादुर जी का महल है। यहाँ पे कहते हैं कि रानी रूपमती जी उनका ये प्रिय स्थान था और यहाँ से वो मैया के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। तो चलिए देखते हैं ये महल भी। कहते हैं कि रानी रूपमती जब तक मैया के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक वे अपना भोजन या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। ये देखिए किस तरह से पानी को दीवार को अंदर से लाया गया है और किस तरह से यहाँ से निकाल के कुंड तक ले जाया गया है। पुराने वक्त के ये किले, गुंबद,
या जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं, इनकी डिज़ाइन इतनी परफेक्ट होती थी कि आप देखिए कि कोई भी दरवाज़ा हो या कोई भी इन पे की गई नक्काशी बिल्कुल हूबहू एक जैसी बनाई जाती हैं। जितने भी दरवाज़े हैं बिल्कुल आमने सामने 90 डिग्री के ऊपर, इनके ऊपर दिए गए आर्क बिल्कुल वही शेप आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ से छत पर चला जाए और छत से पूरे क्षेत्र का नज़ारा देखा जाए। पुराने समय की डिज़ाइंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हवा, रोशनी और पानी तीनों का बेहद ही खास रूप से ध्यान रखा जाता था। दीवारें एकदम चौड़ी चौड़ी मजबूत बनाई जाती थी, भूकंप का भी इन पे कोई असर नहीं होता था। ऊपर से इस तरह से बीच में आंगन रखा जाता था जहाँ से बारिश का पानी इकट्ठा होके बीच में चौक में जमा होता था। और साथ ही में आप देखेंगे कि दरवाजे बिल्कुल इतने बड़े बड़े बनाए जाते थे कि उसमें आराम से अंदर तक हवा और रोशनी दोनों आ सके। मैं महल के ऊपर की छत पे हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैया के रेवा कुंड में दर्शन हो रहे हैं। और मुझे लगता है शायद रानी यहाँ से, रानी रूपमती जी बैठ के मैया को देखती होंगी और उसके बाद अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करती होंगी। सामने की तरफ आप वहाँ पे महल देख सकते हैं। तो परिक्रमा में वापस से हम आगे बढ़ते हैं और इस स्थान से अब निकलते हैं। बाज बहादुर जी ने ये महल कुछ इस तरह से बनवाया था कि इसमें आवाज़ जो है इको इफेक्ट दे। मैं आपको बता दूं कि जो राज बहादुर जी हैं वो बहुत अच्छे गायक थे, वो दीप मल्हार गाया करते थे और दीप मल्हार ऐसी राग है जिसे गाने से दीपक जल जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और इन स्तंभों को अलविदा कहते हुए आनंद में मैया के साथ आगे बढ़ते हैं। नीचे रेवा कुंड और उसी के पास में बाज बहादुर पैलेस देखने के बाद में हम थोड़ी ही दूरी पे आगे बढ़ने पे पाएंगे ये रानी रूपमती मंडप, जिसे रानी रूपमती महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एल आकार में बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। इन दीवारों में से हम अंदर होते हुए जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़र आता है। मैंने मेरे कदम तेज़ी से पीछे हटाए और सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये पूरा नज़ारा मेरे साथ में अनुभव कराते हुए आगे लेके चलूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे आपके भी कदम मेरे साथ चल रहे हैं, आपको भी ऐसा प्रतीत हो। आप भी मेरे साथ में दाएं और बाएं देखते हुए इन बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में से, इस सुरंग में से आगे बढ़ते हुए ऊपर चलें और यहाँ के खूबसूरत दृश्य को देखें। देखिए मैं इस किले के ऊपर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा बेहद ही खूबसूरत है। मैं फ्रंट व्यू से भी आपको ये दिखाता हूँ। देखिए आप इस किले के ऊपर से जब देख रहे होंगे तो पूरा मांडव शहर आपको यहाँ से दिखाई देगा। यह
यहाँ से देखिए एक आदमी बड़ी मुश्किल से अंदर से चढ़ के तेजी से ऊपर जा सकता है। जिस तरह की ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनाई गई हैं, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुश्मन तेजी से ऊपर न आ सके, उसको यहीं पर रोका जा सके, उसके लिए ये इस तरह का क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ अगर मौसम साफ होता तो शायद हमको यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे होते। तो आप ये जो नीचे पहाड़ी देख रहे हैं, अब हम यहीं से नीचे के लिए परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे और इसी पहाड़ी से अब नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ के दृश्य देख लेते हैं, फिर परिक्रमा का आनंद लेते हैं। नर्मदे हर। मैं इन डिज़ाइन को देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये महल कम और एक एम्यूनेशन सेंटर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे ज़रूर राजा महाराजा अपने गुप्त रूप से हथियार बारूद गोले रखते होंगे। ये देखिए यहाँ से तोप को नीचे ले जाने का ये रास्ता रहा होगा। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, सब इसको फोर्ट बता रहे हैं, एक राजा का किला बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये किसी प्रकार का फोर्ट नहीं है। जो फोर्ट आता है वो पूरा कवर्ड होता है। ये चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट में ये एल शेप में बना हुआ है, तो ये दो डायरेक्शंस यहाँ से कवर करी जाती थी और राजा यहाँ से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सिपाहियों का एक जुट यहाँ पर रखा करता था। तो वक्त हुआ है 12:51 और अभी तक मैं परिक्रमा में 8 किलोमीटर बढ़ चुका हूँ। अब मैं यहाँ इस किले के पास से, इस चेक पोस्ट के पास से परिक्रमा को अब पहाड़ों से नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा। हमें यहाँ पे 100 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिससे कि हमें ये धूप से बचने के लिए टोपी मिली। तो अब हम थोड़ा छाया में चलेंगे और प्रकृति के आनंद में रहेंगे, मैया के साथ रहेंगे पूर्ण रूप से आनंद में। इसको लेके कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आनंद लेते हैं और पहाड़ों से उतरने की तैयारी करते हैं। तो वक्त आ गया है यहाँ से अब नीचे उतरने का, साथ में हमने पानी की बोतल रख ली है कि यहाँ से जो अब नीचे की उतराई है बहुत ही खतरनाक है। नीचे तक जाना है, देखिए पहाड़ी मार्ग है और हमको नीचे यहाँ से उतरना है। यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है और मुझे लग रहा है कि यही मार्ग हमको नीचे पकड़ना पड़ेगा। ये हमारी चेक पोस्ट हो गई है, पीछे आप चेक पोस्ट देख पा रहे हैं। और चलिए यहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पहाड़ से ऊपर उस तरफ से मैं आ गया हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा नीचे की तरफ अब और उतरना है। पता नहीं चल रहा कि मुझे इस मार्ग पे जाना है या इस मार्ग पे, इधर की तरफ आगे बढ़ना है या इधर की तरफ से हमें नीचे पहुँचना है। कहीं पे कोई निशान भी नहीं लगा हुआ है। जब तक इस तरह के पत्थर है तब तक तो
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे अब शूटिंग को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। मैं इधर से नीचे उतर के आया हूँ और एक मार्ग यहाँ से भी आ रहा है। अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे झाड़ियाँ क्यों डाली हुई है, क्या ये मार्ग अवरोधक है या ये किसी से यूं ही गिर गई हैं। धीरे 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 नीचे उतरते रहते हैं। ये तो आपको लाइव शॉट देखने को मिल गया। ये देखिए यहाँ पे आप बूंदी है या डासर है, मेरे हिसाब से ये बूंदी है। बूंदी ही है। हम इधर से थोड़ा फिसलते फिसलते आ गए हैं और अब थोड़ा सा यहाँ से पहुँच जाएंगे आगे। यहाँ अभी हाथ में मकड़ी का जाला भी लगा, तो इस मार्ग में मकड़ी के जाले का एहसास। और यहाँ पे किसी भी वृक्ष के ऊपर अभी तक कोई झंडे का निशान देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा थोड़ा निशान देखने को मिल जाता तो अंदाज हो जाता कि सही मार्ग से नीचे उतर रहे हैं नहीं। हालांकि अभी तो हमने कुछ भी नहीं उतरा है, अभी तो उतरा बाकी है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैं अभी और काफ़ी नीचे उतरना है। नीचे उतरने से पहले मुझे यहीं से देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मार्ग पकड़ना है, क्योंकि नीचे पहुँचने के बाद में मुझे इधर उधर ज़्यादा नहीं होना है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वो पूरा मैदान है, लेकिन जो मकान नज़र आ रहे हैं मुझे थोड़े वहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई नीचे का सड़क मार्ग देख के वहाँ से पीछे का रास्ता पता करना पड़ेगा।